नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारे पास में है रेनॉल्ट क्लाइमर टॉप एंड मॉडल। तो इसकी सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। इस गाड़ी का प्राइस, माइलेज, इंजन, एवरीथिंग अबाउट दिस व्हीकल। और ये टॉप एंड मॉडल है दोस्तों, तो इसकी सारी चीज़ें मैं आपको फटाफट से बताता हूँ बिना किसी देरी के दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे पावरफुल वीडियो मैं आपके लिए हमेशा बनाकर लाता रहता हूँ। तो फ्रंट से शुरुआत करते हैं। तो फ्रंट में आपको बड़ा सा यहाँ पर आपको कंपनी का लोगो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और जो ग्रिल है काफ़ी बढ़िया, आपको क्रोम ग्रिल, क्रोम और ब्लैक फिनिशिंग में आपको ग्रिल देखने के लिए मिल जाएगी। और नीचे आने पर यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी की ब्रांडिंग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको अपने बड़े से प्रोजेक्टर लैंप देखने के लिए मिल जाएंगे। और प्रोजेक्टर लैंप की सेफ्टी के लिए यहाँ पर आपको फ्रंट में ये दिया गया है क्रोम फिनिशिंग में। और काफ़ी अंदर है ताकि अगर गाड़ी कहीं ठुक भी जाए तो ज़्यादा इंपैक्ट ना आए और बॉडी पे इंपैक्ट आए, इनके ऊपर इंपैक्ट ना आए, इसलिए काफ़ी अंदर की साइड में इनको दिया गया है। और यहाँ पर आपको अपने साइड इंडिकेटर LED इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ये LED का काम करेंगे इंडिकेटर्स। और ओवरऑल लुक की बात करूँ तो काफ़ी बेहतरीन और प्यारे लुक के साथ में ये गाड़ी आती है। आप देख सकते हो फ्रंट से कुछ ऐसा लुक रहने वाला है दोस्तों गाड़ी का, काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त, ये देख सकते हो दोस्तों। तो एक बार मैं आपको इसका बोनेट भी दिखा देता हूँ। तो कुछ ऐसा बोनेट आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और यहाँ पर आपको इसमें आपका जो जो रैन वाइज़र है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, रैन वाइज़र, ठीक है। और ओवरऑल काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन से फीचर के साथ में ये गाड़ी आती है। तो इसका प्राइस बता देता हूँ, 6 लाख से ये गाड़ी स्टार्ट होती है दोस्तों। 6 लाख से स्टार्ट होकर इसका जो ऑन रोड प्राइस है 8 लाख तक जाता है। तो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको क्लाइमर की बैचिंग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ये देख सकते हो। और काफ़ी स्पोर्ट्स लुक इसको दिया गया है दोस्तों। तो अब मैं आपको एक बार इसका 360 व्यू दे देता हूँ। तो ये देख सकते हो दोस्तों, साइड प्रोफाइल इसका कुछ ऐसा रहने वाला है, लेफ़्ट साइड का साइड प्रोफाइल कुछ ऐसा रहने वाला है। और टॉप एंड मॉडल के ऊपर में यहाँ पर आपको क्लाइमर लिखा हुआ देखने के लिए मिलेगा, ये देख सकते हो। और टायर प्रोफाइल की बात करूँ और सस्पेंशन की बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया सस्पेंशन के साथ में ये गाड़ी आती है दोस्तों। और जो टायर प्रोफाइल रहने वाला है 14 इंच के आपको इसमें टायर देखने के लिए मिलेंगे, 165/70 R14 इंच के आपको इसमें टायर देखने के लिए मिलेंगे। और पीछे में आपको डम ब्रेक मिलेंगे, फ्रंट में आपको इसमें डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाएंगे, ये देख सकते हो आप। काफ़ी बढ़िया बेहतरीन आपको इसमें डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाएंगे, ये देख सकते हो। और इसके माइलेज की बात करूँ तो काफ़ी ज़बरदस्त माइलेज ये गाड़ी आपको निकाल के देती है। 23 तक का माइलेज ये गाड़ी आपको निकाल के दे देगी दोस्तों, 23 तक का माइलेज निकाल के दे देगी। तो काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन माइलेज हो जाता है इसका, ठीक है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी मैं आपको बता देता हूँ, फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी रहने वाली है। तो ये जो इधर में आपको इस साइड में आपको इसमें फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलेगा, पेट्रोल टैंक, तो 28 लीटर दोस्तों, 28 लीटर का आपको इसमें बड़ा फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाएगा, 28 लीटर का। और यहाँ पर भी आपको क्लाइमर की बैचिंग यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। और ऊपर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको अपना बड़ा सा एंटीना यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये देख सकते हो, मोनोपोल एंटीना बोलते हैं इसको दोस्तों, मोनोपोल एंटीना आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और अब मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको अपना जो लॉकिंग मैनुअल लॉक यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ से आप ओपन करके अंदर जा सकते हो इजीली। और यहाँ पर आपको अपना स्टेयरिंग देखने के लिए मिल जाएगा। तो अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको बड़ा सा लोगो मिल जाएगा स्टेयरिंग के ऊपर में, और काफ़ी बड़ा और बेहतरीन सा आपको इसमें स्टेयरिंग देखने के लिए मिल जाएगा, ये आप देख सकते हो दोस्तों। और यहाँ पर आपको अपना जो ये है म्यूज़िक इन्फोटेक सिस्टम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है इसको, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, एक बार आपको स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा मैं, तो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा दोस्तों। यहाँ पर आप टाइमिंग वगैरह देख सकते हो, रेडियो, म्यूज़िक वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको अपना स्टोरेज भी देखने के लिए मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको अपने सारे कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, ये देख सकते हो दोस्तों, नॉर्मल, ड्राइव, और यहाँ पर रिवर्स का भी ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये जो टॉप एंड मॉडल है दोस्तों, ये ऑटोमेटिक वाला मॉडल है, ये देख सकते हो। एक्सीलेटर और ब्रेक यहाँ पर आप देख सकते हो, एक्सीलेटर और ब्रेक का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर आप इसको अपने हाइट के अकॉर्डिंग सेट नहीं कर सकते दोस्तों, फिक्स है ये। और यहाँ पर आपको बहुत बड़ा ग्लव बॉक्स मिल जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स मिल जाएगा। और 2 एयरबैग इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, 1 और 2, दो एयरबैग आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। और ये कुछ चाबी ऐसी रहने वाली है दोस्तों इसकी,
ये देख सकते हो दोस्तों, लॉक अनलॉक सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे आपको अनलॉक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे चाबी कुछ ऐसे लग जाती है, ये देख सकते हो दोस्तों। तो ये यहाँ से अभी स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों एक बार। तो ये देख सकते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी रिवर्स किया हुआ है। तो यहाँ से इसको नॉर्मल कर देते हैं, ये देख सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे रिवर्स कैमरा भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये देख सकते हो। तो कुछ ऐसा रहने वाला है रिवर्स कैमरा दोस्तों इसका, काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन सा, ये देख सकते हो आप। तो रिवर्स कैमरा इसमें कंपनी फिटेड आपको रिवर्स कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा, ये आप देख सकते हो दोस्तों। तो अभी इसको नॉर्मल कर देते हैं और एक बार मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ गाड़ी। तो कुछ ऐसा रहने वाला है दोस्तों गाड़ी का साउंड, ये देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। और ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये देख सकते हो दोस्तों। तो अभी इसको फ़िलहाल यहाँ से बंद कर देते हैं, ठीक है। और RPM वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो तीन मोड इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये देख सकते हो, नॉर्मल, ड्राइव और ये रिवर्स वाला है दोस्तों। ये रिवर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और ये गाड़ी जो है ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑटोमेटिक है। और यहाँ पर आपको अपने AC के सारे कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, ये देख सकते हो, AC के कंट्रोल्स और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। और अभी AC ऑन हो गया, ये आप देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे ये देख सकते हो आप अपना एयरबैग का गाइडलाइन, यहाँ पर सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी, लाइट वगैरह सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी यहाँ पर। और क्विड की बैचिंग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और ओवरऑल दोस्तों गाड़ी की बात करूँ तो गाड़ी काफ़ी प्यारी और प्रीमियम लग रही है दोस्तों। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी नाइस। तो अभी यहाँ से इसको AC को ऑफ़ कर देते हैं। तो यहाँ से इसको AC को ऑफ़ कर दिया दोस्तों, ये देख सकते हो। तो ये देख सकते हो और यहाँ पे आपको अपना सारे ये देखने के लिए मिल जाएंगे कंट्रोल्स और ट्रिप की सेटिंग वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसका माइलेज कितना रहने वाला है सर, वो थोड़ा बताइए। 22 to 23 तक का माइलेज ये गाड़ी निकाल के दे देगी हाईवे के ऊपर में दोस्तों। तो अब गाड़ी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की बात कर लेते हैं, इसका कितना प्राइस रहने वाला है दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर में। तो बाहर चल के मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो अभी इसको बंद कर देते हैं दोस्तों, यहाँ से इसको ऑफ कर दिया है दोस्तों गाड़ी को, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया सी क्लैडिंग आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगी। और पीछे में कुछ ऐसा लुक रहने वाला है दोस्तों गाड़ी का, ये देख सकते हो। तो अब मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ, एक्स शोरूम और ऑन रोड प्राइस कितना रहने वाला है दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर में। तो इस गाड़ी का जो प्राइस रहेगा दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर में, 6 लाख से ये गाड़ी स्टार्ट होगी, 6 लाख से स्टार्ट होगी। और ऑन रोड जो प्राइस रहने वाला है, ऑन रोड प्राइस इसका, तो दोस्तों इसका जो प्राइस रहने वाला है 6,44,000 आपको इसका प्राइस पड़ जाएगा, ये देख सकते हो आप। 6,44,000 की ये आपको एक्स शोरूम पड़ जाएगी। और जो ऑन रोड प्राइस रहने वाला है दोस्तों इस गाड़ी का, ऑन रोड प्राइस आपको पड़ जाएगा 8,19,000 का। 8,19,000 की ये ऑन रोड पड़ने वाली है आपको बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर में दोस्तों, 8,19,000 के अंदर। और इसके ऊपर भी आपको 52,000 का डिस्काउंट है, 52,000 तक का आपको इसमें डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसका डिस्काउंट। तो ऐसे ही पावरफुल वीडियो देखने के लिए भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।